डर लग रहा है। बाय, मैं तेरी वाली बुक लाया हूँ। अच्छा, हाँ, मेरे पास ही बैठना, मेरी सीट पे, मैं दे दूंगा। मैं तुझे खिलाऊंगा। सुन बेटा, चल इस तरफ चलते हैं। लंच के लिए इंटरवल से पहले ही घर मत आ जाना। छुट्टी हो जाए उसके बाद आना। क्या पापा, आप रोजाना ऐसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि तू कभी समझता नहीं है। हे भगवान, ये तो इनका रोज का काम हो गया। अरे वाली नहीं, आराम से। हाँ, उसको मैंने कर दिया थी ना। हाँ, फोन किया था मैंने उसे। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। छुट्टी पे है क्या वो? पता ना, चलेंगे शाम को उसके घर। उसे देख पागल लग रहा है। ए, मेरी किताब में इंक किसने गिराई? मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, बता तूने इंक क्यों गिराई? बता। ए, तेरी हिम्मत कैसे भी ऐसा करने की? छोड़ मुझे, मैं तुझे सबक सिखाता हूँ। ज्यादा बदमाशी दिखा रहा है। क्यों मार रहे हो इसको? अपने आप को समझते क्या हो? बहुत बदमाशी करने लगे हो आजकल। सर, इसने मेरी किताब में इंक गिरा दिया है। अगर इसने इंक मुझ पर गिराई होती तो मैं बर्दाश्त कर लेता, लेकिन इसने मेरी हिंदी की किताब में इंक गिरा के किताब खराब कर दी है। तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे तू कोई हिंदी का कार्यकर्ता है और बस तू ही हिंदी को लेकर इतना जागरूक है, और तू इस मुहिम को आगे बढ़ाएगा। मैंने तुझे हमेशा लड़कों के साथ झगड़ते देखा है। ये एक स्कूल है, समझा? ये कोई तेरी जागीर नहीं है। यहाँ बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, समझे? मुझे तो पता ही है कि ये स्कूल है सर, लेकिन आपको लग रहा है कि आपकी जागीर है। ए, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ बोलने की? चल बाहर निकल, चल बाहर निकल। तेरा बाप हेडमास्टर बन गया, ऐसा नहीं कर सकते। तुझे क्या लगता है स्कूल बाप का है? मैंने कुछ नहीं किया, उसकी गलती है। यहाँ सर, आप जरा शांत हो जाइए। उसे घर आने के बाद कमरे में बंद करके उसकी धुनाई करूंगा सर। ये किस तरह का बेटा पैदा किया है तुमने? हैं? अगर ये दोबारा स्कूल आया तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। मेरी बात तो मास्टर बनने का घमंड है ना, यहाँ तक कि उसे भी घमंड है। मैं तुम्हारा घमंड चूर चूर कर दूंगा, देख लेना तुम। सर सर सर, सुनिए सर। अरे जाओ। तो ये सम्मान मिलता है ऐसी जगहों में हिंदी वालों को, और ये मेरा बेटा मेरी इज्जत का फालूदा कर रहा है। इससे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। चल आजा, चल चल। हाँ? अरे अरे अरे, ये क्या है? हाँ? आप इसे कहाँ ले जा रहे हैं? अगर ये यहाँ रहा तो मेरा नाम मिट्टी में मिला देगा। मैं इसे बेंगलोर के हॉस्टल में भर्ती करा रहा हूँ। क्या जी, आप मेरे इकलौते बेटे को मुझसे दूर ले जा रहे हैं, मैं कैसे जीऊंगी? यहाँ रहेगा तो ये पढ़ाई नहीं करेगा, बस हमारी इज्जत बर्बाद करेगा। तुम चाहती हो कि मैं इसकी वजह से अपनी इज्जत गंवा दूं क्या? बच्चे तो गलती करते ही हैं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। कैसे होगा सब ठीक? ये सुधरेगा क्या कभी? ये स्कूल में जाकर छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करता है हमेशा। किसी ने इसकी हिंदी की किताब पर इंक गिरा दी, मेरे स्टाफ रवि टीचर के साथ जुबान लड़ा रहा था। इसकी गलती के लिए कोई मुझ पर सवाल उठाएगा तो मैं क्या जवाब दूंगा, बताओ? इसलिए इसे यहाँ से जाना ही होगा। अब चल। मेरी बात सुनिए जी, मेरी बात तो सुनो, सुनिए, मत लेके जाइए। कर्नाटका की सुकून भरी आबो हवा में सो गया था क्या परवीन नायक? अपना वादा भूल गया है? किशोर भाई, कैसे भूल सकता हूं, थोड़ा शांत हो जाओ। बेलगांव मेरे हाथ में है क्या? कर्नाटका के लोगों के हाथ में है, उनके दिल में है, उनकी आंखों में है।
अगर हमें बेलगांव पर कब्जा करना है तो दिमाग लगाना होगा। मेरी नजर में एक वकील है जो तुम्हारा काम कर सकता है। तुम सबसे पहले उसे जाकर मिलो। अगर तुमने उसे कब्जे में कर लिया तो आसानी से काम हो जाएगा। बेलगांव में तुम मुझे बहुत से दरवाजों पर भेज चुके हो और अब तुम मुझे एक एडवोकेट का पता दे रहे हो। देखते हैं वो क्या कर पाता है। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। उस जमीन वाले केस का क्या हुआ जो मैंने पहले दिया था? उस बारे में मैंने चिंतित परिवार को राजी कर लिया है और वो पहले से बहुत खुश है। चलो, तुमने ये काम तो अच्छा किया। थैंक यू सर। एसीपी साहब को मेरा नमस्कार। अरे किशोर कदम, आप यहाँ कैसे? बस दिनकर शेट्टी को मिलने आया हूँ। ओ, इनसे मिलने आए हो? शेट्टी साहब तो यहीं पर हैं। ओ वकील साहब, नमस्कार, नमस्कार। मुझे आपसे एक बहुत जरूरी काम है। ए, फाइल देना, ये फाइल देख लीजिए। खातिरदारी बाद में हो जाएगी। बेलगांव के मामले में मैंने तुम्हारे जैसे बहुत सारे गुंडे देखे हैं। तुम इस तरह से हमें बेवकूफ बिल्कुल नहीं बना सकते हो। हम नॉर्थ कर्नाटका के लोग हैं, हमें हिलाना इतना आसान नहीं है। कैसी बात करता है ए वकील। अदालत मेरी मुट्ठी में है और किताबें मेरी जेब में। मैंने आज तक अच्छे अच्छों को हिला कर रखा है। क्या सोचते हो मैं बेलगांव पर कब्जा नहीं कर सकता? कल सुबह होने दो, बेलगांव मेरे कब्जे में होगा। ए सुनो, बेलगांव कोई छोटा पत्थर नहीं है, बहुत बड़ा पर्वत है। यहाँ से तुम एक मुट्ठी मिट्टी भी नहीं ले जा सकते हो। इंस्पेक्टर साहब, वकील मेरे बारे में नहीं जानता, जरा इन्हें बताओ मैं कौन हूँ। कदम, तुम यहाँ दोस्ती के लिए आए हो या दुश्मनी के लिए? बेवकूफ कह के तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ऐसा सोचा भी कैसे तुमने? अच्छा, तुम अपनी हद पार कर रहे हो। अगर दोबारा ऐसे पेश आए ना तो एक बात ध्यान रखना, ऐसी सजा दिलाऊंगा ना कि तुम्हारी सारी की सारी हैकड़ी निकल जाएगी। देख क्या रहे हो, गेट आउट। जा रहे, पेंट लगा। बॉस, मुझे डर लग रहा है। लगा रे, मैं हूं ना। अरे तू यहाँ क्यों आया है? मैं वो हूँ जो द्रोणाचार्य को अपना गुरु मानता हूँ। मैं वो हूँ जो एकलव्य जैसे तीरंदाज से सीख लेता हूँ। अपनी भूमि की रक्षा करने के लिए अपने प्राण विदाओं पर लगा देता हूँ। वो इंसान हूँ मैं। ये बोर्ड भाईचारे की निशानी को दर्शाता है, समझे? और तू इसे मिटाना चाहता है? ऐसी गलती भूल कर भी मत करना, समझा? Ah!
इसलिए कह रहा हूँ शांति से एक अच्छा रास्ता चुन ले, नहीं तो जैसे राम ने रावण का अंत किया था वैसे ही तेरा भी अंत कर दूंगा। अरे इसके पास खटारा स्कूटर के अलावा सफाई करने के अलावा कोई भी काम नहीं है। चलो पूछता हूँ। अंकल आप हमेशा स्कूटर की सफाई क्यों करते रहते हैं? जब आपके पास इतनी बड़ी कार है, इस गाड़ी को उस भंगार वाले को बेच के नई गाड़ी क्यों नहीं ले लेते हो? ए, ऐसा मत बोल। ओ, तुझे पता नहीं है मुझे इससे कितना लगाव है। ये जो गाड़ी है ना, जिसने मेरा वर्षों तक साथ दिया है। अच्छा ये बता, अगर तेरी शादी को 15 साल हो गए और तेरी बीबी बीमार पड़ गई तो क्या तू उसे छोड़ देगा? लेकिन मैं पुराने ख्यालात का नहीं हूँ। आजकल का दौर ही ऐसा है, पुरानी चीजों को जाने दीजिए और नई चीजों को आने दीजिए। ओहो बड़े अच्छे ख्यालात हैं। ऐसे क्यों मारा अंकल जी? ये आपका हाथ है या हथौड़ा है? तुझे लगता है मेरे हाथ बहुत फौलादी? नहीं नहीं, आपका तो पूरा शरीर ही फौलाद का है। क्या कहा? मेरा मतलब है कि आपकी स्टील बॉडी है। स्टील बॉडी? जरा रुक। ओहो अब ये क्यों फोन कर रहा है? हेलो गुरुजी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है मेरे बेटे के लिए आप मुझे फोन मत करो, ये बात आपको समझ में क्यों नहीं आती है? अरे यार। पापा चाय लीजिए। बेटी तुम मेरे लिए कितनी बार चाय लेकर के आओगी? जाकर अपनी माँ से कहो। अरे मैं नाश्ते के बारे में बात कर रहा हूँ, जाकर के बोलो। अरे, अरे, अरे हम नाश्ता लाते हैं तो चाय बोलते हो, चाय लाते हैं तो नाश्ता बोलते हो। अरे कौन सी घड़ी में पैदा हुए हो भगवान जाने। अरे तो फिर दो। ये तो हमेशा भूखड़ ही रहेगा। इसीलिए हमने एक नया जानवर पाल रखा है, लेकिन वो उससे भी ज्यादा बदतर है। थू। क्या मम्मी क्या हुआ? ऐसा क्या हो गया यहाँ जो इतना हंस रहे हो? तुम हमारी छोड़ो, जरा अपने बारे में बताओ। वो गुरुजी जब भी फोन करते हैं तुम्हारे बारे में पूछते हैं, ऐसा क्या है? पापा ये तो खुशी की बात है कि ऐसे ऊंचे दर्जे वाला आदमी मेरे बारे में पूछ रहे हैं। पता नहीं ये खुशी की बात है कि दुख की बात है। देखो संगठनों में ऐसे कार्यकर्ता समाज के अधिकारों के लिए लड़ते रहते हैं, उसके लिए पूरी जिंदगी त्याग देते हैं, और वो तुम जैसे नौजवानों को अपने साथ शामिल करने के लिए ललचाते रहते हैं। देखो इस सब की हमें जरूरत नहीं है, उनके चक्कर में कभी मत आना, चाहे हमारे पास खाने को कुछ भी ना हो। समझ गए ना? पापा आप तो मुझे बचपन से जानते हैं ना, क्या मैं कभी बदला नहीं ना? फिलहाल मैं चलता हूँ, ठीक है, बाय। माँ पापा को थोड़ा बहुत सलाह की जरूरत है। ए मेरी बात सुन। अरे कम से कम तू बोल उसे। अरे जब आपकी नहीं सुन रहा तो मेरी क्या? सुन ऐसा। अरे मेरी बात सुन। देखा तुमने, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता किस घड़ी में पैदा किया इसको। ए जी आज की पीढ़ी से प्यार से बात की जाती है, आप उसे स्कूल की तरह पढ़ाना बंद करो, उसे जरा प्यार से संभालो, वरना आजकल के लड़के जानते हो क्या करेंगे? जरा इधर आओ, किक मारेंगे। क्या आजकल के लड़के अपने बाप को किक मारते हैं क्या? लड़कियां भी ऐसा ही करती हैं पापा। आजकल के बच्चे सच में किक मारते हैं क्या? लेकिन ये हमारे समय में तो नहीं होता था। देखो अगर क्रिकेट में तुम एक बार आउट हो गए तो दोबारा नहीं खेल सकते, समझे? क्या बकवास कर रहे तू? अरे बॉस थोड़ा रुको तो सही, क्या है कि कबड्डी में कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे जितनी बार आउट हो जाओ, जितनी बार आउट हो जाओ, बार बार खेलने का मौका मिलता है। तेरी हड्डियों में जान तो है नहीं, तू इतना उछल रहा है। ए झिंगुर, तेरा वजन 50 किलो से भी ज्यादा नहीं होगा, तू कबड्डी खेलेगा, बड़ा आया, चल जा। अच्छा तो ऐसा है, तो फिर आकर देखो मैं मैदान में कैसे खेलता हूँ कबड्डी। चलो चलो चल जा यहाँ से। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज गुरुजी का इतनी दूर कैसे आना हुआ? देखो क्या है ना कि कार्यकर्ताओं को तुम्हारे जैसे नौजवानों की जरूरत है, इसलिए मैं यहाँ तुमसे बात करने आया हूँ। यहाँ पर घड़ी नाड़ू संगठन के बारे में क्या तुमने अपने कोई विचार दिए हैं? देखो
देखिए गुरुजी, इसके बारे में आपके उद्देश्य नेक है, लेकिन मेरे पिताजी मेरा किसी भी संगठन में हिस्सा लेने के खिलाफ है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए ऐसी संस्था ठीक रहेगी। मैंने तुम्हारे पिता से बात की थी, लेकिन उन्हें इन मामलों में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए उन्होंने इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं ली। वैसे तुम अपने पिता की तरह टीचर तो नहीं बनना चाहोगे ना? मैंने पूरे इतिहास में एक टीचर को कुछ हासिल करते हुए कभी नहीं देखा, लेकिन मैं इस बात का गवाह हूँ कि टीचरों के संतानों ने इतिहास रचा है। इसलिए तो कह रहा हूँ, तुम अपने पिता की तरह टीचर नहीं बनना चाहते, लेकिन तुम एक योद्धा बन सकते हो। सूर्या, इसमें शामिल होने में क्या गलत है? गुरुजी, ये सब लोगों की भलाई के लिए तो कर रहे हैं, समझ गए सूर्या? ये समझा बस। हाँ बोल भाई, हम सब तेरे साथ में हैं भाई। मान जाओ सूर्या, मान जाओ, मान जाओ सूर्या, मान जाओ, मान जाओ सूर्या, मान जाओ, मान जाओ ना यार, मान जाओ। हाँ बोल दो सूर्या, बोल दो। गुरुजी, अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ। ये संगठन कई संस्थानों के लिए नींव का पत्थर होना चाहिए। पूरे राज्य के सभी छात्रों के लिए तुम एक बहुत बड़े आदर्श बन सकते हो। तुम हर गांव में ऐसी संस्थान शुरू करोगे और ये हमारी गड़ी नाडू संगठन के सिद्धांतों को लोगों तक पहुंचाओगे। इस कर्तव्य को निभाओ बेटा। ठीक है गुरुजी, तो फिर एक फौज बनाते हैं। क्या एक सेना बनाने वाला बहादुर होना चाहिए? क्या आपको इस बात से डर नहीं लगता? डर? तो सुनो, मैं मुंबई में पैदा हुआ एक फौलाद हूँ। मेरी धड़कनें समुद्र की लहरें जैसी है और मेरा जिगर मजबूत चट्टान की तरह है। जीत का झंडा गाड़ू मैं कभी ना हारू। बोल क्या बात है? अरे कहाँ है भाई तू? मैं बस आ रहा हूँ। अरे जल्दी आ यार, मुझे कहीं जाना है। रुकना, मैं थोड़ी देर में पहुँच रहा हूँ। हेलो यार, ये तो तेरा रोज का हो गया है। पता नहीं वो कौन सी लड़की है जिसके चक्कर में पड़ा है। हाय, नाइस टू मीट यू। आप कौन है? कॉलेज में पढ़ाई करने के बजाय नेता बनना था ना? क्यों नेतागिरी करेगा? मुझे तुझ पे हंसी आ रही है बे। ए, इस बेलगांव में हम एक चट्टान की तरह हैं, और तू हमें हिलाने आया था। तेरे जैसे बहुत आए और गायब भी हो गए। कौन है बे तू? नायक, प्रवीण नायक, एक्स मेयर। तेरे लिए यही बेहतर होगा कि तू साइलेंट रहे, नहीं तो मैं वायलेंट हो जाऊंगा।
तुमने उसे अच्छा सबक सिखाया। आज के बाद वो मेरा नाम सुनते इसकी पैंट गीली हो जाएगी। आपने सही कहा भाई। सुनिए, मैं जरा इसे स्कूल तक छोड़ कर आती हूँ। बाय डैडी। बाय, होशियार रहो। हाँ ठीक है। चलो तो मैं क्या कह रहा था, स्कूल के बाद तुम सीधे भाई आप कह रहे थे कि आपने अच्छा सबक सिखाया सब कुछ। हाय डियर। हाय, क्या नाम है तुम्हारा? तेजस्विनी। ओह, बिल्कुल अपने नाम की तरह ही सुंदर हो। थैंक यू। नमस्कार। नमस्ते। अरे तुम तो सूर्या हो ना? सही पहचाना। मैंने तुम्हें एक न्यूज चैनल पे देखा था, तुम बहुत अच्छा बोलते हो। वैसे तुम यहाँ किस लिए आए हो? मेरे पति से मिलने आए हो क्या? वो अंदर ही है, जाओ मिल लो। मैं बेटी को स्कूल छोड़ कर आती हूँ। मैंने खीर बनाई है, जाने से पहले खाकर जाना, ठीक है ना? हाँ, समझ गए ना? चलो बेटी, मैं जल्दी से वापस आती हूँ। बाय बाय डियर। हाँ, चलो। हम तो ऐसा ही करते रहेंगे। दीदी कितनी समझदार है, लेकिन तुझमें तो तमीज नाम की कोई चीज ही नहीं है, इसलिए उनका पति होने के तू बिल्कुल लायक नहीं है। और यही तो प्रॉब्लम है। ए, 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 तुझे पता नहीं किसके सामने और किससे बात कर रहा है? तेरी तो ए, तो ये मत सोचना कि मुझ पर इंक गिराकर तूने मुझे बेइज्जत कर दिया, उल्टा तूने मुझे ललकारा है। तुझे खाना चाहिए, जमीन चाहिए, और उस जमीन का पानी चाहिए, और ये सब पाने के लिए तू क्या करता है? तू सरकार के नाम पर सारी सुविधाओं का आनंद उठाता है, लेकिन तुझे बेलगांव बिल्कुल ही नहीं चाहिए। तुझ जैसे नमक हरामों की वजह से ही इस बेलगांव को और यहाँ के लोगों को इतनी तकलीफें हो रही हैं। ए, अगर तू मुझे मारना चाहता है तो इज्जत के साथ मार, मैं तेरे सामने ही हूं, चल मारना। अगर तू चाहे तो मेरे सीने से मेरी जान निकाल सकता है, लेकिन आत्मा नहीं मरेगी, और वो इस जमीन और यहाँ की संस्कृति के लिए लड़ती रहेगी, लड़ती रहेगी, लड़ती रहेगी। मैं एक एक्स मेयर हूँ अपने पूरे इलाके का, गुलबर्गा और बेलगांव बॉर्डर में। मेरा नाम सुनते ही लोग कांपते हैं मुझसे, डरते हैं मुझसे। पुलिस डिपार्टमेंट से लेकर पुलिस स्टेशन तक सभी मेरे कंट्रोल में हैं। बस एक लड़के ने, एक हेडमास्टर के लड़के ने सबके सामने मुझे मार कर चला गया। मेरे पर हाथ उठाया, वो भी मेरे आदमियों के सामने, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? तू मुझे मार कर चला गया वो। नहीं, मैं उसे अब छोड़ूंगा नहीं। मेरे ऊपर हाथ उठाने का अंजाम तुझे भुगतना ही पड़ेगा। क्या रे छोरे, बेलगांव का डॉन है क्या तू? हाँ, अरे बेटी बस चालू हो गई, जल्दी आओ। ला 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 ला
चलो भाई अंदर चलो। मेरे पति को चढ़ने दीजिए प्लीज। मैं मर रहा हूं। अरे रुको भाई। रुको। अगर हम लोग इस घटना के तह तक जाएं, तो ऐसा लगता है प्रवीण नायक इसके लिए जिम्मेदार है। ए, जरा देखो तो, क्या इसे ऐसा करने की जरूरत है? हाँ, देख रही हो ना, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, ये यहाँ से जाके मारपीट जरूर करेगा। ए, हट, 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 चल, चल इधर, चल। ए पकड़ से, ए कहाँ भाग रहा हूँ? ए पुलिस भागो! चलो चलो निकलो। बेलगांव में मची हड़कंप और शहर के सभी लोग सड़कों पे उतर आए। अनजान हमलावरों ने बेलगांव की सड़कों पर वाहनों को फूंक डाला और तोड़फोड़ भी। लोग गुंडों के खिलाफ रोड पे प्रदर्शन कर रहे हैं। इस हड़कंप में बहुत ही जान माल का नुकसान हुआ है। हेलो, बोलिए सर। सर यहाँ दो दलों के बीच भिड़ंत हुई है सर, हमें पता नहीं वो लोग कौन है, शायद स्टूडेंट यूनियन भी इनके पीछे है सर। मैं इन सभी दंगाइयों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लूंगा सर, और उसके बाद सीरियस एक्शन लेकर आपके पास रिपोर्ट भेजूंगा। हिंसा भड़क उठी। इस हिंसा में दो दलों के बीच मारामारी हुई है। इस हिंसा के पीछे आपसी मतभेद बताया जा रहा है। बेलगांव के सीमांती इलाकों में बस और ट्रेन की सेवाएं रद्द कर दी गई हैं, जिससे आम लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ है। हमेशा लेट आते हैं। भैया ये कौन है? मैं तुझे बाद में बताता हूँ, तू पहले इसके लिए कोई कपड़े लेकर आ। इसे भूख नहीं लगी है, थोड़ा सा तो खा लो। बोलो ना दिशा, आखिर कहाँ खो गई? हाँ मेरी बेटी किधर है? किधर है मेरी बेटी? किधर है मेरी बेटी बताओ? क्या तुम अपने घर पे फोन करोगी? हाँ
हेलो, मैं दिशा बात कर रही हूँ। भाई, दिशा जी का फोन है। हेलो, बोल बेटी। मैं ठीक हूँ, मम्मी कैसी हैं? अरे मम्मी तो सामने बैठी है, तू किधर है? डैडी, मैं इधर सेफ हूँ, एक फ्रेंड भी है और एक अच्छा इंसान भी है। अच्छा इंसान? Who is that person? Give him the phone. नमस्ते सर। Listen to me. Bring my daughter back. हाँ जरूर भेज दूंगा सर, लेकिन बेलगांव में अभी धारा 144 लागू होने की वजह से थोड़ी परेशानी होगी सर। बोला ना उसे फौरन भेज दे। सर, मैंने आपको कहा ना, यहाँ की परिस्थिति बहुत नाजुक है। Don't give me silly excuses. Send my daughter back. Listen, I am a dangerous person. काव्या, आ रही हूँ पापा। ये कौन? भैया की फ्रेंड है पापा। अच्छा, भैया की दोस्त है। ए, चुप रह तू। तूने बताया क्यों नहीं? पागल लड़की। पापा, ये मुझे वहाँ दंगे में मिली थी, इसलिए मैं उसे यहाँ ले आया। हाँ। और अभी जब तक मामला शांत नहीं हो जाता तब तक इसे हमारे ही घर में रहने देते हैं। सिर्फ दो ही दिन क्यों? कम से कम एक हफ्ता तो रहने दो। एक हफ्ता ही क्यों, पूरे साल रख लो। यह मेरी किसी की परवाह भी नहीं है। सुनिए, बस करिए जी, कितनी प्यारी बच्ची है, इसे हमेशा के लिए यही रहने दो। हाँ रख लो, जाओ जाओ। ओहो। इसे हमेशा के लिए यही रख लो, तुम्हारा कॉम्बिनेशन कमाल का रहेगा। आपको इंग्लिश नहीं आती है और इसे हिंदी नहीं आती है, ये बहुत अच्छा रहेगा, है ना? मुझे हिंदी भी आती है। आती ही नहीं। मेरी माँ को अच्छे से आती है, लेकिन पापा को कम आती है। उन दोनों की लव मैरिज हुई थी। जरा ही पकड़ना। अच्छा बेटी, क्या तुम यहाँ पर एकदम अकेली हो? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? या ये तुम्हें यहाँ पर किडनैप करके तो नहीं लाया है ना? ऐसा कुछ नहीं है, मैं और मेरी माँ गोवा में रिश्तेदारों के यहाँ गए थे। हम बेलगांव से होते हुए कोल्हापुर जा रहे थे, तभी यहाँ पर दंगा भड़क गया। चिंता मत करो बेटी, हम खुश हैं कि तुम सुरक्षित हो। अच्छा हुआ मेरे बेटे को तुम मिल गई, वरना तुम परेशानी में फंस जाती। क्या बात है यार, क्या भाई, कौन है ये लड़की? कहाँ से उठा लाया इसको? यार तुझे तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मिल जाती है, लेकिन मुझे क्यों नहीं मिलती है? अंकल, मुझ में कोई कमी है क्या? मैं आता हूँ। तो ये पता कर इसे ये लेकर के कहाँ से आया है। ऐसा है क्या? ठीक है अंकल, चलता हूँ। मैडम के लिए कुछ अच्छे कपड़े दिखाओ। जरा ये ड्रेस दिखाना, ये वाले भी। ये पैक कर दो। क्या हुआ? पेट्रोल खत्म हो गया, मैं जल्दबाजी में शायद पेट्रोल भरवाना भूल गया।
ओहो, इतनी धूप में मैं पैदल कैसे चल पाऊंगी? घर पर तो मुझे लिली के फूल की तरह रखा जाता था। हेलो मैडम, घर में चाहे तुम्हें लिली फूल की तरह रखते होंगे, लेकिन मैं उस फूल की तरह रख रहा हूँ जिसे भगवान को चढ़ाते हैं, समझी तुम? अब आओ बैठ जाओ, बैठो ना। अरे शर्मा मत, बैठ जाओ। वाओ, इट्स ब्यूटीफुल। हे देवा देवा, इसमें से एक जोड़ी आ जाए, अगर ऐसा हुआ तो मैं समझ जाऊंगी कि वो मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। हे देवा देवा, जोड़ी आ जाए। यस, वो मुझे जरूर मिलेगा और मैं उसी से प्यार करूंगी बस। I love you. ओह, लगता है चिड़िया मेरा इंतजार कर रही है। इसके उड़ने से पहले मुझे पकड़ना होगा। क्या बात है, तुम तो बड़े फास्ट हो। क्या सूर्या को पता है कि तुम मुझसे मिलने आए हो? तुम जैसी सुंदर लड़की से मिलने आ रहा तो उस बंदर को बता के क्या फायदा? सही कहा ना? देखो मुझे, मेरा स्टाइल ही अलग है। ओके ओके। क्या सूर्या को किसी से प्यार हुआ है कभी? प्यार? और उसके जैसे लोग? लड़कियां मेरे जैसे से प्यार नहीं करती हैं तो उससे क्या करेंगे? सही कहा तुमने। अगर मैं झील में डूब जाऊं क्या तुम मुझे बचाओगे? झील ही नहीं, अगर तुम समुद्र में डूब रही होगी तो मैं तुम्हारे लिए कूद जाऊंगा। अच्छा, तो तुम्हें तैरना आता है? क्या तैरना आता है ये पूछ रही हो क्या? तुंगा भद्रा, कावेरी, कृष्णा, भीमा, ऐसी बड़ी बड़ी नदियों में मैं आसानी से तैर लेता हूँ। अच्छा तो तुम मुझे अपना फोन दो। मोबाइल में तो अजीब अजीब वीडियो है, ये लो, ये रहा, कहीं देखना ले। हाँ बोल भाई। तुम्हारा भाई नहीं, मैं हूँ। हे गोपाल का फोन तुम्हारे पास क्यों है? ये मेरे पास कैसे होगा? गोपाल अपना फोन चार्जिंग में लगा कर बाहर चला गया। क्या? और मैं उसे लेकर यहाँ झील के पास चली आई। मैं यहाँ तुम्हारा वेट कर रही हूँ। तुम्हारा मतलब मैं सब काम छोड़कर वहाँ आ जाऊँ क्या? मैं चाहती हूँ कि तुम बस मेरे पास आ जाओ यहाँ पर, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैं अभी नहीं आ सकता, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। क्या तुम अभी नहीं आओगे? अगर तुम नहीं आए ना तो मैं सच में झील में कूद जाऊंगी, समझ गए ना? तुम एक अच्छा काम करने जा रही हो। तो क्या तुम फिर भी नहीं आओगे? नहीं आऊंगा, नहीं आ सकता। मैं सच में कूदने वाली हूँ। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि तुम कूद जाओ। ऐसा है, ठीक है, तो फिर मैं कूद रही हूँ। तो फिर कूद जाओ ना। पर इसे क्या हो गया? अरे ये क्या, वो सच में कूद गई? यस, अब तो उसे आना ही पड़ेगा। बचाओ। अरे इसीलिए कहते हैं कि लड़के को चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए यार। ए, तू कहां से आ गया? उसने मुझे पहले बुलाया और फिर पानी में धक्का दे दिया यार। अगर तुम उसके बारे में पूछ रहे हो तो वो देखो वहाँ पे है, कैसे मजे से खेल रही है। ये सब क्या है दीक्षा? तुमसे बात करनी थी इसीलिए छोटा सा ड्रामा करना पड़ा, इसमें गलत क्या है? ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं बहुत टेंशन में आ गया। ठीक है ठीक है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, बोलूं क्या? बोलो ना दिशा। वो क्या है, फोन को भी अभी आना था। हाँ माँ। माँ मैं तो थोड़ा दूर हूँ माँ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है माँ। हाँ मैं समझ गया, ठीक है माँ। हे चलो। अरे आओ ना। ओहो, ऐसे टाइम पे माँ का कॉल आया, पूरी प्लानिंग खराब कर दी। छी। भिंडी ले लो, भिंडी ताजी ताजी, भिंडी भिंडी ले लो, भिंडी, पालक 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 ले लो, पालक 20 का, 20 का पालक, पालक पालक ताजे भैया।
ये टमाटर भी ताजे हैं, लाल लाल टमाटर। हे, इतने सारे बैंगन क्यों? मुझे लगता है ये तुम्हें बहुत पसंद है। क्यों? क्या बैंगन तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं? नहीं, तुम्हें पसंद है ना? मुझे तो बैंगन बहुत ही ज्यादा पसंद है, तुमने तो शायद कभी चखे भी नहीं होंगे। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? पता है, बस जब मैं कोल्हापुर में रहती थी तो मुझे बैंगन का भरता इतना ज्यादा पसंद था कि मैं रोज रोज यही बनवा के खाया करती थी। ठीक है ठीक है, तुम्हें जो पसंद है तुम ले लो और मैं अपने पसंद का ले लेता हूँ। हाँ ठीक है। चले। खाना तो बहुत स्वादिष्ट है, इसका मतलब ये जरूर मेरी पत्नी के हाथों का बना हुआ है। पापा, आज खाना दिशा ने बनाया। ओ, अच्छा अच्छा अच्छा। देखा बेटी, तुमने पूरी जिंदगी अपने हाथों से न जाने क्या क्या खिलाया इनको, पर आज तक इन्होंने कभी तारीफ नहीं करी मेरी, और आज देखो कैसे बोल रहे हैं। लगता है इन्हें दिशा के हाथों का खाना एक बार में अच्छा लग गया। बिल्कुल सही कहा तुमने, बच्ची ने खाना अच्छा बनाया है। माँ, दिशा का अब और यहाँ रहना ठीक नहीं रहेगा, इसे इसके घर छोड़ाऊं क्या? पर क्यों भला, यही रहने दो ना। बेटी बैठो, खाना तो खा लो। क्या हुआ दिशा, खाना खत्म करने से पहले उठकर चली गई? मुझे ज्यादा भूख नहीं थी। तुम उदास क्यों लग रही हो? क्या तुमसे किसी ने कुछ कहा है? तुम खुद गलती करते हो और दूसरों को ब्लेम कर रहे हो। मैंने? और नहीं तो क्या, भगवान को चढ़ाए फूल बस एक दिन तक ताजे रहते हैं सूर्या, और अगले दिन उठा के उन्हें डस्टबिन में फेंक दिया जाता है। छह, मैं इसका मतलब नहीं समझा। तुम नहीं समझ पाओगे सूर्या, लेकिन मैं समझ गई। तुमने हुबली से वापस आते समय कहा था कि पूजा के फूल की तरह तुम मेरा ख्याल रखोगे, और अब देखो तुम मुझे वापस भेजने की बात कर रहे हो। तुम्हारे परिवार से मुझे कितना प्यार मिल रहा है। तुम बस इतनी सी बात पर परेशान हो गई? ठीक है, आई एम सो सॉरी, अब से ऐसी कोई बात नहीं कहूंगा, ओके ना? अब जरा मुस्कुराओ, मुस्कुराओ, मुस्कुराओ ना। रो मत बेटा, रो मत, इन्हें तो मैं देख लूंगी। अच्छा बैठ, रो मत, लीजिए कॉफी। क्या हुआ? हमारी बेटी के सारे सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आए हैं, केवल हिंदी सब्जेक्ट में अच्छे नंबर नहीं आए, और हिंदी के मास्टर इसे हिंदी सही से नहीं पढ़ाते। मुझे तो लगता है वो मास्टर पागल हो गया है। तुम पहले से ही सरदर्द थी, अब ये भी सरदर्द बन गई है। क्यों लड़की, तू चाहती है कि मैं तेरी पिटाई करूं? अब कितनी बार मैंने तुझसे कहा है, अपने मास्टर की सुना करो और किसी की नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं जी, इसका मतलब आप उस मास्टर को सपोर्ट कर रहे हैं ना? ये कोई गांव नहीं है, ये शहर है शहर। अगर आपने उस मास्टर को सबक नहीं सिखाया तो आप देखना, उस मास्टर को मैं खुद ही देख लूंगी, समझ गए ना आप? वो मेरी बेटी है, मुझे बताए उसे कैसे पढ़ाना है, मुझे मत समझाओ। अभी जाओ और मेरे लिए खाना लेकर आओ। क्या खाना खाएंगे आप, गांव का खाना या फिर शहर का खाना खाएंगे? आराम से बैठ कर डिसाइड कर लीजिए, फिर मुझे बता दीजिए, मैं अंदर ही हूँ, समझ गए ना? आ,
बोल, ठीक है। अच्छा दिशा, तुमने अपने लवर को मिलने के लिए यहाँ क्यों बुलाया? ओहो, लवर से मिलने के लिए ये जगह सही है इसलिए ना। प्यार करने वाले लोग हमेशा सही जगह सिलेक्ट करते हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा लवर है कहाँ? मतलब ये एक सस्पेंस है। मैं तुम्हें अपना लवर दिखाती हूँ, आंखें बंद करके पीछे आओ। आओ आओ आओ, यहाँ आओ। आ रहा हूँ। थोड़ा करीब आओ। हाँ। अब आंखें खोलूँ? रुको रुको। हाँ, अब आंखें खोल सकते हो। तुम्हारा लवर आ गया ना? हाँ, खोलो। आंखें खोलो। हाँ, खोल दी। हेलो, पहले मेरी बात सुनो फिर कंटिन्यू करना। ए, बेवकूफ कहीं का। बंदर कहीं के हमेशा काम बिगाड़ देता है। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तेरी तो दूसरों का काम बिगाड़ने के अलावा कोई काम नहीं है। एक दो सेकंड लेट हो जाता तो क्या बिगड़ जाता। अच्छा तो मैं लेट आता तो तुम दोनों नहाने के प्लान में थे क्या? हाँ, हमारी मर्जी, तुम्हें क्या लेना देना। क्या हो रहा है ये? हाँ, तुम जो भी करो मैं हमेशा थोड़ी देखता रहूंगा। चुप हो जाओ। मैंने सोचा ये हनीमून पैकेज मेरे लिए था, लेकिन ये तो क्या भाई, क्या तुझे ये बात पता है? हाँ पता है भाई। इसका मतलब तू पहले से दिशा के लवर के बारे में जानता था? सुनो भाई, दिशा ने मुझे पानी में फेंका, ये अच्छा नहीं लगा। तुमसे फोन पे बात करते इन्होंने मुझे पानी में छपाक से फेंक दिया यार, इसलिए मैं जा रहा हूँ। बहन जी मैं चलता हूँ। अगर थोड़ा लेट हो जाता तो देख लेता वो दोनों क्या करने वाले थे। मैंने ही पत्थर फेंक कर सारा काम बिगाड़ दिया यार। हम मोबाइल में ही देखा करूंगा यार। चला जाता हूँ किसी की धुन में। ए सुन। हाँ। ऐसा है। हाँ। मैं तेरे लिए कुछ अच्छा सा खाना बनवा अच्छा? देता हूँ, तू एकदम पेट भर के खा लेना। हाँ। बेलगांव छोड़कर बेंगलोर चला जा। हाँ। ए तू मेरे बेटे सूर्या के चक्कर में रहेगा ना तो बिगड़ जाएगा। अंकल हम दोनों हॉस्टल के समय से दोस्त हैं, और आप हम दोनों की दोस्ती तुड़वाने के चक्कर में, ये अच्छी बात है क्या? बताइए ना। अंकल ऐसा मत करो, मेरी दोस्ती मत तुड़वाओ। एक थप्पड़ मारूंगा समझे, मैं उसे खुद संभाल लूंगा, उसमें तेरी मदद की जरूरत नहीं है। चल मुझे दे। तुम्हारा बेटा सूर्या कहाँ है? आप कौन है? मैंने आपको पहचाना। मुझे बस इतना बताओ कि तुम्हारा बेटा सूर्या कहाँ है। आजा। तुम लोगों को हमेशा अच्छी शिक्षा देते हो, लेकिन अपने लड़के को कभी कुछ नहीं सिखाया गया। कैसे मास्टर हो तुम, कैसे हेडमास्टर हो तुम? ए प्रवीण नायक, मेरे सामने बदतमीजी से बात मत करना। गलत काम तुम करते हो, बदमाश भी तुम ही हो। तुम इस शहर को बेचने की कोशिश करने वाले चोर हो। तुझे पता है तू कहां और किससे बात कर रहा है? तू मेरे ही घर पर आकर मेरे ही पापा से बदसलूकी कर रहा है, तेरी इतनी हिम्मत? मैं तुझे यहीं जलाकर राख कर दूंगा, इसलिए सुधर जा, समझ गया ना? ए, मुझे बोलने का हक है और बोलूंगा मैं, क्योंकि तूने इस लड़की को अपने घर में 2 महीने से रखा, इसलिए बोलूंगा मैं, समझा ना? बता ना, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और ना ही कोई रिश्तेदार। सौतेले भाई कभी भी एक साथ नहीं रह सकते, हम दोनों सौतेले ही भाई हैं, क्योंकि इस घर में तुम्हारे बेटे ने एक लड़की को रखा है। तुम एक हिंदी पढ़ाने वाले मास्टर हो, क्या तुम्हें ये देखकर शर्म नहीं आ रही? शहर में धारा 144 लगी है ये बोलकर तूने उसे 2 दिन के लिए घर पर रखने की बात की थी, लेकिन अब 2 महीने हो जाने के बाद भी तूने उसे उसके घर नहीं भेजा और ये मुझ पर आरोप लगा रहा है। देखो, अगर तुम महंतेश पाटिल के बेटे हो तो इस लड़की को घर छोड़कर आने की जिम्मेदारी तुम्हारी, और तब तक तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। पापा
दोरे। अच्छा मैं चलती हूँ। हाँ। ध्यान रखना बेटा, फोन करना। हाँ करूँगी। बाय बाय। वहां पहुंचने के बाद भी हमें फोन करते रहना, तुम हमें भूल मत जाना, ठीक है? समझ गई ना? याद रखोगी? कम दिशा, कम डैडी, कम। Who is he? सूर्या। नमस्ते सर। कम सूर्य, कम। सिट डाउन प्लीज। थैंक यू। तुम क्यों चिल्लाई दिशा? क्या हुआ? क्या तुमने कोई सपना देखा? ओह, तुम जैसे स्मार्ट लड़कियों को ऐसे सपनों को लेकर परेशान नहीं होना चाहिए। बताओ ना दिशा, क्या हुआ? अब बोलो ना, जब तक तुम बताओगी नहीं मुझे कैसे पता चलेगा? दिशा बताओ क्या हुआ है, बताओ ना। दिशा बोलो क्या हुआ है, क्या परेशानी है? दिशा बोलो, दिशा, दिशा बोलो ना, दिशा बोलो। इसे कुछ मत करना, सूर्य को कुछ मत करना, अगर इसे कुछ हुआ तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। खामोश। मेरा दिमाग अलग है, मेरा बिजनेस अलग है, और जो चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वो है लव। मुझे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। शूट हिम। एक बात कान खोल के सुन ले, प्यार करता हूँ इससे, मेरे साथ इसकी शादी होने वाली है, ठोक दूंगा तुझे, तू बीच में मत बोल, साइड हो जा, वरना अभी कभी ठोक दूंगा इसको। हाथ में गन पकड़ लेने से कोई मर्द नहीं बन जाता, इंसानियत दिखाने वाला इंसान ही मर्द कहलाता है। ए! इंसानियत दिखाने में मुझे महारत हासिल है, मैं वो सूर्या हूँ जिसने तेरे जैसे कितने बदमाशों को ठिकाने लगाया है। ए, इसे खींच कर ले आओ, चलो कम कम, चल चल। सूर्या, सूर्या, छोड़ दो, छोड़ दो। सूर्या, सूर्या, आई लव यू सूर्या, आई लव यू। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती, प्लीज मुझे अपने साथ अपने घर ले चलो, प्लीज सूर्या, प्लीज सूर्या, सूर्या प्लीज। अगर तुम महंतेश पाटिल के बेटे हो तो इस लड़की को घर छोड़कर आने की जिम्मेदारी तुम्हारी, और तब तक तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। सूर्या मुझे ले चलो, सूर्या मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अंकल, दिशा कहाँ है? अंदर है, जा बेटा। उठ जाओ बेटा, खाना खा लो, मत रो। पता है बेटी, मेरा मन कह रहा था तुम दोनों एक दूसरे से जरूर मिलोगे। दिशा,
मैंने लड़कियों को लड़कों के साथ भागते देखा, लवर के साथ भागते देखा है, सब देखा है मैंने, लेकिन कभी किसी लड़की को उसके भाई के दुश्मन के साथ भागते नहीं देखा मैंने। क्या करूं तेरा? बेटा छोड़ दो। हाँ क्या करूं तेरा? मेरी बात सुनो। ए! अरे इधर अपना फैसला कर लो, ये ठीक नहीं है। अरे ये यहाँ क्यों बैठा है? क्या भाई, मैंने तुम्हें कहाँ का नहीं ढूंढा। इतने टेंशन में क्यों भाई? मैं दिशा को याद कर रहा हूँ यार, उसे उसके घर वापस भेजकर मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी? उसे घर भेजने के मेरे फैसले पर मुझे अफसोस हो रहा है यार। भाई मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। मुझे पता है दिशा तुमसे बहुत प्यार करती है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तू किसी परेशानी में पड़ जाए, क्योंकि ये प्यार व्यार का चक्कर बड़ा खराब होता है यार। और वैसे भी तेरा लफड़ा चल रहा है, ये तुझे पता है ना, तू मेरा दोस्त है ना, इसलिए बता रहा हूँ तुझे, समझ जा। ए, उनके साथ जो भी लड़का है वो जमीन की वजह से है, लेकिन उससे प्यार नहीं करता है। जब से दिशा ने मुझे अपने प्यार का इजहार किया है, तब से मेरी धड़कने बहुत जोर जोर से धड़क रही है यार। अब मैं क्या करूं? हाय सूर्या, तुम कैसे हो? तुम जानते हो मुझे तुमसे कब प्यार हुआ? जब हम रास्ते में हुबली से वापस आ रहे थे, जब तुमने मुझे अपने बाइक पर बिठाया था और पेट्रोल भराने के लिए धक्का लगाकर ले गए थे, तब मुझे एहसास हुआ और मैंने मान लिया कि तुम अपने जीवन साथी का बहुत अच्छे से ख्याल रखोगे। मुझे नहीं पता कि क्या तुम मेरे लिए भी ऐसा ही महसूस करते हो, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर तुम भी मेरे लिए ऐसा ही महसूस करते हो, तो जहाँ कहीं भी हो, बस ये कहो कि आई लव यू दिशा, मैं सुन लूंगी। आई लव यू दिशा, आई लव यू। आज मैं बहुत खुश हूँ, पता है क्यों? आज तेरी मेरी एंगेजमेंट है ना। मैं भी बहुत खुश हूँ। क्यों? सिर्फ एंगेजमेंट है ना। ओम श्रीम क्लीं ओम ओम होने वाला पति का नाम बताइए। होने वाला पति का नाम बताइए। राहु काल समीप है, जल्दी बताइए। सूर्य। दिशा ने मेरा नाम नहीं बोला, दुश्मन का नाम बता दिया। अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो वह सूर्या के साथ भागकर शादी कर लेगी, फिर हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता, She is not my daughter. Kill her. मार डालेंगे तो मुझे क्या फायदा? मैं उसे सबक सिखाने के लिए बाहर लेके आता हूँ। दिशा। Huh?
तो बढ़ गया हो। कैसा लग रहा, ठंड लग रही है? तो चलो मिलके शोले भड़काते हैं। ए जाओ भी, बड़े हैं शोले भड़काने वाले। अब मौसम ठंडा है और तुम नजदीक हो, तो फिर क्यों ना हो जाए दो चार बातें। ए कौन है रे तू, ऐसे कपड़े पहन के यहाँ क्या कर रही है? ऐसे अचानक कहाँ से टपक पड़ी? लव प्रॉब्लम, मुझे तुम्हारे घर में ले आई। ओहो, आजकल की इन लड़कियों की ये लव प्रॉब्लम तो होती ही है। ये लव तो जैसे आजकल फैशन हो गया है। जय शिव शंभू। मेरी थोड़ी हेल्प कर दो ना, मैं बहुत परेशानी में हूँ, प्लीज मेरी हेल्प कर दो अंकल। हाँ ठीक है ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, इंसानियत के नाते हम तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन पूरी बात तो बताओ, तभी तो कुछ कर पाएंगे। मैं जिससे प्यार करती हूँ उसका नाम सूर्या है, वो बेलगांव में रहता है। अच्छा। आप उसे फोन करके बुलाने का कष्ट करेंगे अंकल? इसमें कष्ट की क्या बात है, अरे जरा फोन दो ना इसे। हाँ लाओ लाओ, ये लो फोन लो और करो बात उससे। इस वक्त कौन फोन कर रहा है? ओ, परेशान कर रखा यार। अच्छा कौन है यार? हेलो, कौन बोल रहा है? सूर्या, मैं दिशा। हाँ दिशा, मैं अपने घर से भाग आई हूँ, प्लीज तुम जल्दी आ जाओ। तुम अभी कहाँ हो? वो जो कोल्हापुर के पास कागर है ना, मैं वहीं पर हूँ। ठीक है मैं अभी आता हूँ। देखो इस ठंडे मौसम में मुझे कुछ गर्म की जरूरत होती ही है। दिशा देखा, इसे कहते हैं शोला भड़काना। तुम अरे ये क्या बोल रही है तू, अब बस भी करना, उनके लिए कुछ लेकर तो आ। हमेशा शोले की बात करते रहते हो। एक बात सुन लो भाई, तुम बहुत किस्मत वाले हो, इतनी अच्छी लड़की है, इसे कभी धोखा मत देना, समझ गए ना? सर आपकी बात सुनकर बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आप हमारे इलाके के हैं। मुझे हिंदी अच्छी तरह आती है, यहाँ के हवा पानी से वाकिफ हूँ ना, मैं कोल्हापुर और बेलगांव के बॉर्डर पे पैदा हुआ, हिंदी बोलने वाले लोग बॉर्डर के दोनों तरफ रहते हैं, तो ऐसे भी भाषा के साथ भेदभाव मैं नहीं करता हूँ। ये भाषा का भेदभाव, जमीन का भेदभाव, ये सब कुछ राजनीति से जुड़ा हुआ है। देखो बेटा, इंसान के पास बोलने के लिए बस एक ही जबान होती है, और आखिर में सब खत्म हो जाने के बाद इसे मिट्टी में मिल जाना होता है, और यही हमें विरासत में मिला है, और ये आगे हमारी संस्कृति। अरे वाह, आपका ज्ञान तो कमाल का है, मैं इन शब्दों को कभी नहीं भूलूंगा। इन कपड़ों को मेरे पति ने मुझे एंगेजमेंट में दिए थे, ये लो हमारी तरफ से, तुम पे अच्छे लगेंगे। थैंक यू। ठीक है सर, हमें अब देर हो रही है, हम चलते हैं सर। अरे रे ये क्या बोल रहे हो तुम, पता है कितनी रात हो चुकी है, इतनी रात को जाना अच्छी बात नहीं है, तो सुनो आज रात तुम यहीं रुक जाओ और कल सुबह यहाँ से चले जाना। सुनो सबके लिए खाना बनाओ ना। सर आप ठीक है, ठीक है जैसा आप कहें। चल बाहर निकल, निकल। ए चल 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 चल, छोड़ो छोड़ो। सूर्या छोड़ो। सूर्या No!
यस बॉस। मैं अभी की अभी अपनी बेटी की शादी इससे करवाने के लिए राजी हो जाऊंगा अगर इसने मेरी कंडीशंस पूरी तरह मान ली तो। अरे वाह, दोरे राजा नायक अपनी बेटी को त्यागने के लिए तैयार हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, अगर तू इन्हें बदल सकता है ना तो ये भी तुझे बदल सकते हैं। समझ गया ना तू, प्यार में ऐसा भी होता है। आज मुझे समझ में आ रहा है। एक फायदे की बात बोलूं, अगर दिशा से शादी करना चाहता है ना तो एक शर्त माननी होगी तुझे। बेलगांव के मामले में तुझे हमारा साथ देना होगा, तभी तू दिशा से शादी कर सकता है। क्या कहता है? बोल रहे? मेरा तुझसे ये वादा है कि मैं बेलगांव में रवि चेन्नम्मा के आदमियों को और उसके पूरे सर्कल को अपने कब्जे में ले लूंगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। देखा तूने दिशा, वो तुझसे प्यार नहीं करता, उसे बस बेलगांव के लोगों से प्यार है। समझ गई ना? तुम खुद ही जाकर पूछ ले, उसे बेलगांव से ज्यादा प्यार है या तुझसे प्यार है। पूछ। वो तुमसे तुम्हारी जमीन छीन रहे हैं, तुम्हारे गुस्से को क्या हुआ? वाह वाह वाह, तुम ये सब क्यों बर्दाश्त कर रहे हो? तुम्हें उनसे लड़ना चाहिए। जन्मभूमि माँ की तरह होती है, तुम अपनी माँ के बारे में कैसे सुन सकते हो इन सब से? मंगलसूत्र बांधे बिना ही मुझे अपना पति मानकर तुम अब मेरी हो गई। मैं अपने प्यार को भी बचाऊंगा और मातृभूमि को भी। मारो साले को। Oh!
चिनम्मा का नाम अपने मुंह से निकाल कर तू क्या मुझे धमका रहा था? अब बोल कर दिखा, चल बोल ना, बोल। अब चले। सूर्या, तुम मुझे इतना प्यार करते हो, मेरी इतनी केयर करते हो, मुझे बहुत खुशी होती है। हे, तुम्हारी यही खुशी देखने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। भगवान ने मुझे तुमसे मिलाया, इसके लिए मैं भगवान की शुक्रगुजार हूँ। तुमसे अच्छा जीवन साथी मेरे लिए कोई नहीं है। तुमसे मेरा रिश्ता जुड़ गया है जो 7 जन्म क्या जन्मों जन्मों तक कभी नहीं टूट सकता। जब तक मेरी जिंदगी है मैं तुमसे ऐसे ही प्यार करती रहूंगी। मैं तुम्हें कभी भी अपने से दूर नहीं जाने दूंगी। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हमारा प्यार कभी कम ना हो। हे, हमारे प्यार के खातिर ही तो इतनी परेशानी उठाने के बाद भी तुम्हारे साथ हूँ, और हमेशा ही साथ रहेंगे। इसलिए हम दोनों की शादी होकर ही रहेगी, इस अग्नि की कसम खा के कहता हूँ। मेरा भी यही वादा है। वाओ! ओहो! हे, क्या हुआ? अरे, ये मछलियाँ मेरे पैर में काट रही हैं। जरा ध्यान से। हाँ, अब बाहर आ जाओ, यहाँ सांप भी हो सकता है। हाँ, ऐसा क्या? अपना हाथ धो ना। ए, अब चलो। ठीक है, चलते हैं। आहा, कल की रात बहुत कमाल की थी। खुला आसमान, सामने जली हुई आग, कितना अच्छा होगा अगर हम रोज ऐसा करें। रुको, थोड़ा गैप रख के बात करो। तुम हमेशा चिपक जाती हो, मुझे शर्म आती है यार। जो सन्यासी होने का ढोंग करते हैं ना, उन्हें ये शादी की जल्दी होती है। ओ, तुम्हें कैसे पता? एक सुपर कहानी है, बताऊं तुम्हें? बता। एक सन्यासी था जो लोगों की भिक्षा से गुजारा करता था। वो हर दिन नहाता था और अपने कपड़े धोया करता था, लेकिन उसके कपड़े रोज रात में कच कच करके चूहे काट देते थे। हाँ। कोई कपड़ा नहीं बचा था। हाँ। इसीलिए सन्यासी ने चूहों को सबक सिखाने के लिए एक बिल्ली पाली, और वो बिल्ली का पेट भरने के लिए एक गाय लेकर आ गया। अब उस सन्यासी को उस गाय का पेट भरने के लिए कुछ भी सोचना था ना। गाय बड़ी होती है तो उसके लिए चारा भी ज्यादा ही लगता था। गाय के लिए उसे पानी, घास, पत्ते, चारा सबका इंतजाम करना पड़ा था। अब एक बात बताओ तुम मुझे, अब सन्यासी को किसकी जरूरत पड़ेगी? पता नहीं, उसे एक औरत की जरूरत पड़ेगी। औरत को ऐसे ला नहीं सकते तो उसे शादी करनी पड़ेगी ना। ओ, तो ऐसे तो उनका पूरा परिवार बन गया। अच्छा, मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि कोई ऐसे परिवार भी बना लेते हैं। इसीलिए तो कह रही हूँ, सन्यासी बनने की कोशिश मत करो। ओए, मैं ऐसा नहीं हूँ। हाँ, और अगर मैं तुम्हें अपनी असली पहचान दिखाऊँ ना तो हैरान हो जाओगी तुम। ओहो, ऐसा है क्या? तो फिर चलते हैं। थक गई हूँ, अब मैं और नहीं चल सकती। दिशा, हाईवे मिल गया। हाईवे मिल गया। हाँ, सच में? हाईवे मिल गया? तो फिर जल्दी चलो ना। अरे, उठाओ ना मुझे। मैं तुम्हें कैसे उठाऊं? हाँ, उठाओ ना मुझे। अरे, मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। चलो, अपना हाथ दो।
अरे रे 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 रे, क्या बात है सूर्या, आज तुम मेरी दुकान पर आए हो? क्या सोहन भाई, मुझे नहीं आना चाहिए। आना चाहिए, आना चाहिए, ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम्हारे आने से तो बहुत खुशी मिली है मुझे। सोहन भाई, मैं थोड़ी प्रॉब्लम में हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बताओ मैं क्या कर सकता हूँ भाई। मुझे बेलगांव जाने के लिए बस एक गाड़ी चाहिए। बस इतना ही? अरे तुम एक गाड़ी क्या, तुम जितनी चाहो उतनी गाड़ियां ले जा सकते हो। तेरा टकले, जहां भी गलत होता है मैं वहीं पहुंच जाता हूं। लोगों की सेवा करने के लिए जब भी मैं कदम रखता हूं, वो जगह मेरी होती है और खेल भी मेरा होता है। जो खेल तूने शुरू किया उसे अब मैं खेलूंगा। कान खोल के सुन ले, तैयार है ना? तो आजा मेरे पास, आजा आजा आजा। आ! 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 आ!
सूर्या, सूर्या उठ जा। ए सूर्या, अच्छे इंसान है, मैं उन्हें ब्लड डोनेट करूंगी। भगवान। पापा। प्रवीण नायक हो गया। काम हो गया, मर गया वो। सूर्या की हालत बहुत खराब है यार। एक मिनट। कैसा है वो? डॉक्टर अभी कुछ नहीं कह रहे। अच्छा, यहाँ पेशेंट के घरवाले कौन है? डॉक्टर, मैं पेशेंट का पिता हूँ। देखिए, हमारे पास एबी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप स्टॉक में नहीं है। जिसके पास सेम ब्लड ग्रुप है वो डोनेट कर सकता है। डॉक्टर, हमारे परिवार में ये वाला ब्लड ग्रुप किसी का नहीं है। आप प्लीज कुछ कीजिए ना। सॉरी, हम कुछ नहीं कर सकते। रिक्वेस्ट करने से मदद नहीं होगी। पेशेंट की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। जल्दी से ब्लड का इंतजाम कीजिए तो जान बच सकती है। चलो सिस्टर। अंकल, मेरा एक दोस्त है जो ब्लड बैंक में काम करता है, वहाँ ट्राई करते हैं, वहाँ काम हो जाएगा। हाँ चलो। हाँ चलते। तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ। हाँ जल्दी आइएगा। ये लो, मेरा खून ले लो और सूर्या की जान बचा लो, मुझे वो चाहिए। ये क्या किया बेटी? हे भगवान, ये क्या किया तुमने? ओह, उसे कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगा। तुम धीरज रखो बेटी। बताइए सूर्या कैसा है? सर, प्लीज। प्रवीण नायक,
कुछ जवाब नहीं दे रहे हो, नाराज हो क्या? सच कहूं तो मास्टर जी, मैं आपके सामने खड़ा होने के लायक नहीं हूं। मास्टर जी, मैंने आपको पहले ही बहुत कष्ट दिए हैं, अब मैं जान गया हूं आप बहुत अच्छे व्यक्तित्व वाले इंसान हैं, जिसमें दूसरों को ज्ञान देने की और शिक्षित करने की महानता है। उनके साथ मैंने ऐसा किया, अब मैं अपना चेहरा आपके सामने कैसे दिखाऊं मास्टर जी? मैंने अपने बेटे को जन्म दिया, उसे नई जिंदगी तुमने दी। मैं महान नहीं हूं, महान आदमी तो तुम हो प्रवीण नायक। मास्टर जी, मेरे बारे में ऐसे बड़े शब्द मत कहिए, क्योंकि मैंने पैसे और राजनीति के नाम पर मैंने अपने जीवन में बहुत सारे गलत काम किए मास्टर जी। लोग मुझे यह कहकर धुतकारते हैं कि प्रवीण नायक एक बहुत घटिया आदमी है, शहर में गुंडागर्दी करने वाला। देखिए मास्टर जी, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मुझे ऐसा मौका मिला। मुझे आपका प्यार और आशीर्वाद चाहिए, मुझे माफ कर दीजिए मास्टर जी। तुम ऐसा मत बोलो, तुमने अपना खून दान करके मेरे बेटे की जिंदगी बचाई। खून का रंग लाल होता वो किसी धर्म या जाति का नहीं होता है, और तुमने ऐसा करके इंसानियत का सबूत दिया है। देखो, कोई गलती होने के बाद प्रायश्चित करना ही उसकी सबसे बड़ी सजा होती है। तुम अब से सिर्फ मेरे दोस्त ही नहीं हो, बल्कि मेरे परिवार के सदस्य हो। समाज में इंसानियत का रिश्ता एकता के प्रतीक को दर्शाते हैं। मैंने हमेशा सबको यही सिखाया है। अब तुम उदास मत हो, तुम बुरे इंसान नहीं हो, तुम एक सच्चे इंसान हो, और वो ही है तुम्हारी दौलत। हाँ नायक, मैं सच कह रहा हूं कि मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, बहुत खुश हूं, बहुत ही ज्यादा खुश, क्योंकि तुम अब बदल गए हो। मीरा, वेयर आर यू गोइंग? मुंह में जबान नहीं है क्या? बस अब बहुत हो चुका, इस बार मेरी बेटी के भविष्य की बात है। तुम्हारी बेटी का भविष्य बर्बाद हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरे लिए मेरा सम्मान और गौरव ज्यादा जरूरी है। आपको तो शर्म आनी चाहिए, आप ना एक अच्छे पति बन पाए और ना ही एक अच्छे पिता, और मेरे सामने गौरव की बात करते हो आप। मेरे लिए तुम पहले ही मर चुके हो, मैं अब बेलगांव जा रही हूँ। मीरा, मेरे सामने अगर तुमने बेलगांव का नाम लिया तो टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ओ, जबान बंद करिए, आप जब हावेरी में पढ़ते थे तो मेरे पीछे पड़े हुए थे, मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे मुझसे शादी कर लो, आप कहाँ चला गया आपका सम्मान, आपकी इज्जत? हाँ, मैं गांव की लड़की हूँ और आप एक शहरी आदमी, अगर आपको इतना ही घमंड है तो मुझसे शादी ही क्यों की आपने? अब मेरी एक बात सुन लीजिए आप, मैं अपनी बेटी का फ्यूचर खराब नहीं कर सकती, उसकी शादी बेलगांव में कराऊंगी। तो क्या इस वक्त तुम्हारा इरादा मेरी बेटी की शादी किसी बेलगांव वाले से करवाना चाहती हो? हाँ जरूर कराऊंगी, मैं शादी करवा के ही रहूंगी। पूरी तरह भूल जाओ, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, ये कभी नहीं हो सकता। मैं भी देखती हूँ ये शादी कैसे नहीं होगी। मैं भी बेलगांव की हूँ और आपने मुझे स्वीकार कर लिया, तो फिर मेरी बेटी की शादी बेलगांव में क्यों नहीं हो सकती? ये शादी तो होकर रहेगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। हमें रिश्तों को पनपने देना चाहिए, ना कि खत्म करना चाहिए। मेरी बेटी कभी भी उस जगह की बहू नहीं बन सकती है। सुन बेटा, अगर तू अपने पिता की बात मानता तो इतनी बड़ी परेशानी में नहीं पड़ता। हाँ। अरे नहीं नहीं, बैठे रहो आराम से। हाँ, बैठे रहो। मेरे मना करने के बाद भी तुमने एक संस्था बनाई और उसका एक कार्यकर्ता बनके लोगों का भला करते रहे। तुम इतने बड़े होनहार बन गए, लेकिन मैंने तुम्हें यह सब कुछ सिखाया नहीं था। आज के बाद तू सिर्फ मेरा बेटा ही नहीं, समाज का असली बेटा है।
मुझे तुझ पर बहुत गर्व है। तू मेरा बेटा सूर्य है। पापा। बेटा, मैंने हमेशा तुझ पर संदेह किया, अब तू मुझ पर एक उपकार कर, मुझे अपनी संस्था में शामिल कर ले बेटा। मुझे भी एक बार अपने लोगों की सेवा करने का मौका दे दे बेटा। पापा, ऐसा क्यों कह रहे हो? सूर्य, सूर्य। पापा, पापा, मैंने कोई भी काम शुरू करने से पहले कभी आपके बारे में सोचे बिना उस काम को करने की हिम्मत नहीं की। आपका आशीर्वाद ही मेरे काम की सफलता की वजह है। बेटा, समाज की समस्याओं से मैं हमेशा दूर ही भागता रहा, लेकिन आज के बाद समाज के अंदर जितनी भी बुराइयां हैं उनको खत्म करने के लिए मैं तेरे साथ हूं, मैं वादा करता हूं। हाँ पापा। सूर्या, मिनिस्टर साहब आने वाले हैं। हाँ गुरुजी। हाँ, मेरे काम अच्छे से हो रहे इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दिशा, सूर्या, मेरी माँ। नमस्कार आंटी। नमस्ते बेटा। सूर्या, प्रवीण नायक, तुम अब कुछ मत बोलो, मुझे सब कुछ पता है। मेरे पापा ने मुझे सब बता दिया है, मुझे बहुत खुशी हुई। प्रवीण नायक का ये खून अब मेरी रगों में दौड़ रहा है, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। यहाँ कुछ और भी है जो बहुत खुशी की बात है। आज सभी के बीच यहाँ पर ध्वजारोहण का समारोह होगा। जो काम लंबे समय से अधूरा था वो तुमने पूरा कर दिया। आज तुम ही हो सूर्या इन सभी लोगों की खुशी का कारण। मुझे अच्छा लगा। जैसा तुमने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं होता। मैं नहीं होने देता। तू क्या मुझे पटाखे बनाने वाला समझता है? बम बनाता हूं मैं, छोटे छोटे टुकड़े कर देता तेरे। ऐसे शुभ कार्य के दौरान ये बम वगैरह की बात मत करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम्हारे यहाँ बिन बुलाए चले आने के लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। देखो, इस ध्वजारोहण के समारोह में मैं तुम्हारी लड़की से शादी भी करने वाला हूं। एक बार मेरी शादी हो गई तो तुम में से कोई भी उससे मुझसे अलग नहीं कर सकता। फिर तुम सीधे मेरे घर पर आओगे क्योंकि हम तुम्हारे रिश्तेदार बन जाएंगे। सही कहा ना? तुझे पता नहीं है कि मैं दो दो स्टेट्स के बॉर्डर के इलाकों का राजा हूँ। मेरी परमिशन के बिना तू ऐसे काम पूरे नहीं कर सकता। पता है तुझे क्या, यहाँ खड़े सारे लोग और गांव का हर कोई मेरे बारे में जानता है। देखता हूँ मैं भी कि मेरे होते हुए तू कैसे यहाँ झंडा फहराएगा। किशोर कदम, तुझे पता है बेलगांव कहाँ है? मुझे तो पता है, जरा ये नक्शा दिखा ना। देखो कहाँ है बेलगांव, हैं? दिखा क्या? नहीं ना। और अब देखो दूसरा मैप।
यहाँ देखो, ये है बेलगांव। तुम भूगोल के बारे में कुछ नहीं जानते, तुम्हें नहीं पता कौन जगह कहाँ है। इसके अलावा तुझे बेलगांव का प्राचीन समय का नाम पता है क्या था? तूने कभी इतिहास पढ़ा है क्या? ये एक बेलगांव वीनुग्राम कहलाता था। लालच और अहंकार उसे यहां फैलाकर तुम लोगों ने राज किया। इसके अलावा तुम लोगों ने कुछ नहीं किया, लेकिन जब कोई अच्छा काम करता है तो सब उसका साथ देते हैं। लेकिन जब तुम अपने फायदे के लिए लोगों को अलग अलग करने की कोशिश करते हो तो उसे गुंडागर्दी कहते हैं। 1960 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश मेहर चंद्र महाजन ने यहां के क्षेत्रफल का अध्ययन किया और फैसला सुनाया कि बेलगांव इसी राज्य का हिस्सा है। ये तुम्हें पता नहीं? इसने बताया नहीं तुम्हें? इतिहास के दस्तावेज भी यही दर्शाते हैं कि बेलगांव इसी राज्य का हिस्सा है। तुम जैसे लोगों ने महाजन के बयान का तिरस्कार किया, और यही नहीं, एकीकरण समिति की रचना की। कानून तुम्हें इसकी इजाजत नहीं देता। हमें इस क्षेत्र का अधिकार यहाँ की सरकार ने दिया है, हमारे राज्य की सरकार, तुमने नहीं। तुम्हें समझ में आया ना? अब मुझे जवाब दो, तुम किस आधार पर कह रहे हो कि हम लोगों को यहाँ पर झंडा नहीं फहराना चाहिए, और किस आधार पर कह रहे हो कि हमारे बीच में कोई संबंध नहीं है? देखा तुमने, तुम ये कभी नहीं भूलो कि तुमने भी शहर की लड़की से शादी की है। नमस्कार साहब। नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आपका आशीर्वाद है। आपके बेटे को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। वैसे तो हमारे देश को आजादी मिले बहुत लंबा समय हो गया है, लेकिन आज पहली बार इस गांव में झंडा फहराने के लिए लोग इकट्ठा हुए हैं, ये देख के खुशी हो रही है। हम सबको ये खुशी देने वाला आपका बेटा ही है। सूर्या, यहाँ आसपास के नौजवानों के लिए तुमने एक नई दिशा दी है। तुम सारे नौजवानों के आदर्श बन गए हो। यहाँ आसपास के गांव में मेरे जैसे बहुत नौजवान हैं, इसलिए उन सभी गांव में ध्वजारोहण का समारोह हम लोगों को रखना ही चाहिए। सर, मंत्री जी, अब ध्वजारोहण करें? हाँ। चलिए चलिए चलिए, आइए आइए आइए। अरे ये क्या है मास्टर जी? आज मेरे बेटे की शादी भी है। ये तो बहुत अच्छा अवसर है मास्टर जी, सुपर। आपका आशीर्वाद है मंत्री जी। मेरी शुभकामनाएं। चलिए आइए। Thank you.
मैं बन गया प्यार में तेरे, पागल ना हो जाऊं प्यार में तेरे। तू है आँखों में मेरे, तू है सांसों में मेरे, आजा बाहों में तू।